केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को बीकानेर और अलवर लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगा। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जयपुर में प्रेस वार्ता की और विपक्षी दलों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और चुनावी माहौल से घबरा करके कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल होगा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। पुलवामा हमले पर भी जहां पूरा देश एकजुट था और हमारी वायुसेना ने पाक ठिकानों को तबाह किया, वहीं कांग्रेस ने सेना की प्रशंसा करने की बजाय सवाल ही खड़े कर दिए। इससे उनका आतंक के प्रति रवैया साफ होता है। साथ में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी निशाना बनाया और कहा कि राष्ट्रद्रोह का कानून और सख्त होना चाहिए। साथ में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को रिव्यू करने का समय आ चुका है। जो मतदान हुए हैं उससे स्पष्ट है कि रुझान किस ओर है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए थ्री फोर्थ मेजॉरिटी हासिल कर ले। मैं मानता हूं कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए उन मुद्दों पर भी वह राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के बयान फिदायीन हमले में मारे गए, इस मुद्दे पर सारा देश एकजुट था, फिर भी कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर भी राजनीति की। हमारे वायुसेना के जवानों ने जाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हासिल की, उसकी प्रशंसा करने के बजाय सारे देश के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उस पर सवालिया निशान लगाने प्रारंभ कर दिए। कितनी कामयाबी मिली, कितने लोग मारे गए, इस प्रकार की जब सवाल किए जाते हैं तो उससे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है।